खवातीन और सरत, मैं हूँ फैज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज हारून। तो सीरियसली मुझे आप लोगों की ओपिनियन की जरूरत है। अगर ये चीज से आपको फर्क पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात जाहिर करो, अगर नहीं पड़ता तो सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है भाई, इधर से निकलो और वीडियो तक आखिर तक देखना अगर देख ही चुके हो यहाँ तक। तो हम बात करने वाले हैं आज माई प्रोटीन के बारे में, जो कि इंडिया में इसके पैर बड़े ही आसानी से जम चुके हैं। इसने कहीं अच्छे यूट्यूबर्स को अपनी साइड पर रखा है और अपने प्रोडक्ट्स की बड़े ही आराम से सेलिंग कर रहा है, और इस सेलिंग के पीछे एक छोटी सी चीज़ छुपा रहा है। अभी वो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है आपके लिए, मेरे लिए ना हो पर आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। और वो क्या है, इसका इंग्रेडिएंट, इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स में जो छुपाया गया है वो है अंडा। इट मे कंटेन एग, माई प्रोटीन का वे प्रोटीन इट मे कंटेन एग, जो कि आप लोगों को नहीं बताया गया है। क्या इंडिया की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, यूके यूएई में ये चीज़ खुलेआम बताई गई है और आप लोगों के लिए इट्स वेजिटेरियन। हाँ, वहाँ पे यूके यूएई में वेजिटेरियन है अंडा भाई, हम नहीं मानते, और जो हम नहीं मानते वो नहीं मानते। तो ये कंपनियाँ क्यों छुपा रही है, बस अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, बस अपना मुनाफा जोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है यार, बेस्ट सेलर है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ये बिकता है, वे प्रोटीन हर कोई खा रहा है। और उनके लिए जानना ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जानना ज़रूरी, मैं पूछूंगा कि आपके लिए जानना ये ज़रूरी है या नहीं है, है या नहीं है, कि इसके अंदर क्या मिला है। अगर ये दूसरे देश में बता रहे हैं खुलेआम कि भाई यूके में इट मे कंटेन एग, और ये बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी यूके से ही आता है, यूके से ही आ रहा है, हम इंडिया में नहीं बना रहे, इसका कोई अलग फैसिलिटी नहीं है, एक ही जगह बनता है, एक ही जगह से बिक रहा है, तो क्यों नहीं, क्यों एक ही डिटेल्स दोनों जगह नहीं दिखा रहे, हर जगह सेम दिखा रहे, इंडिया के लिए क्यों अलग है। क्योंकि भाई इंडिया में एग वेजिटेरियन नहीं है, इन्हें पता है इनका प्रोडक्ट कल बंद हो जाएगा, कल लोग लेना खरीदना बंद कर देंगे। आप खरीदोगे जब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे प्रोटीन में तो अंडा है, खरीदोगे? नहीं यार, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं खाऊंगा। पर ये इनके दिमाग में नहीं आता ना, इनके दिमाग में पैसा भरा है, पैसा, कैसे बताऊं यार आप लोगों को। ये कंपनियां कुछ यूट्यूबर्स को खरीद के अपना ब्रांड प्रमोशन करा के वो ऐश कर रहे, उन लोग खाते हैं, जो नहीं खाते भाई उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये, और ये चीज शॉर्ट होनी चाहिए। जो भी आपके यूट्यूबर्स है, जो भी इसे प्रमोट करते हैं, वीडियो को शेयर करो, उनको टैग करो, उनको बताओ, ये स्क्रीनशॉट भेजो उनको कि भाई ये नहीं चलने वाला है, कि तू अपने ब्रांड प्रमोशन के चक्कर में हमारी भाई हमारा विश्वासघात कर देगा क्या। यही चीज है कुछ पैसों के लिए। अगर आप यही समझते हो तो भाई आपकी मर्जी, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे समझ में नहीं आया भाई। मैं खाता हूँ अंडा, मैं बताता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर इंडिया में कहीं ज़्यादा ऐसी कम्युनिटी है जो नहीं खाती है, नहीं खाना चाहती है, उनकी मर्जी है। किसी को प्रॉब्लम हो सकती है अंडे से, किसी को एलर्जी होगी, कुछ भी होगा, बता दो ना भाई, तुम्हारा वे आइसोलेट खरीद लेके जिसमें नहीं लिखा है, पर क्यों नहीं, पता क्यों? पैसा बोलता है ना, पैसा बोलता है। सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हमारा हमारे वेबसाइट से गायब हो जाएगा, जो कि इंडिया में वेज नहीं है, जिस चीज को हम लोग वेज नहीं मानते और ये मानते हैं, इनका तो धंधा चौपट हो जाएगा भाई। आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि कंपनी क्या इंडियन मार्केट में आके हम ही इंडियंस को इतना बेवकूफ बना सकती है, क्या हमें इतना बेवकूफ इन्होंने समझ लिया है कि कोई ढूंढ ही नहीं लेगा, कोई चेक ही नहीं करेगा, कोई चेक कर भी लिया तो क्या बोलेगा, शायद आप जितनी ऑडियंस नहीं होगी ना उन लोग के पास, तो शायद रुक जाते होगे, इतने बड़े डिसीजन से, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचते होगे क्या करूं। भाई मैं बताता हूं क्या करना चाहिए।
आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट मेन होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना, तो ऐसी कंपनियाज है ना, कितनी भी हो यार, कुछ नहीं कर सकती। अच्छी अच्छी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी भाई चली जाती है। क्यों पता है? क्योंकि हम एक्शन नहीं उठाते। यही चीज वो अपने देश में, यूके के अंदर, ये चीज अगर वो खुद करे ना, तो उनको मिलियंस की फाइन है। अगर वो नहीं बताए ना, वो छोटी सी चीज है, वो छोटी सी चीज हो सकती है कितनों लोगों के लिए, जो ये वीडियो को देख रहे होगे, लाइक नहीं कर रहे होगे, सपोर्ट नहीं कर रहे होगे, वो छोटी सी चीज होगी। पर वो छोटी सी चीज अगर ये कंपनियां अपने ही देशवासी को ना बताए ना, तो उन पर कहीं करोड़ों का जुर्माना लग जाएगा। और वहां बता रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई उन लोग कदम उठाते हैं, उन लोग अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं। मेरे पास पैसे ना हो, पर आप लोगों का सपोर्ट हो ना, तो ऐसी कंपनियां आसपास भी नहीं भटक सकती। जाने तो ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ये इंफॉर्मेशन किसी भी काम आती है, और अगर आपका कोई दोस्त, यार, भाई, जो भी हो, वो अंडे वगैरह ना खाता हो, तो प्लीज़ उसे बता दीजिए कि भाई इट मे कंटेन एग, ऐसा लिखा हुआ है वेबसाइट पे, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप खुद देख सकते हो। इंडिया की वेबसाइट में तो खुलेआम से मुझे मना कर दिया कि नहीं था कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं। और यूएई वाले ने तो जाहिर से कहा यस इट कंटेन्स। तो आप ही डिसाइड कर लो यार, आपको किसकी तरफ रहना है। सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा तो। गलत करते हैं इन लोग थोड़े से पैसे के लिए। आप पे डिसीजन है क्या करना चाहिए।